जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका उचित उपाय चैनल में। और आज मैं आपके लाया हूँ शिव चौदस यानी महाशिवरात्रि पर अत्यंत प्रभावशाली वशीकरण, जिसे आप करने से ही एक दिन में किसी का भी वशीकरण कर सकते हो। यदि आपका प्रेमी या प्रेमिका, आपके पति या पत्नी, या आप अपने शत्रु को वश में करना चाहते हो, या किसी भी तरह की अगर किसी इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है महाशिवरात्रि का। तो आपको किस तरह से क्या उपाय करना है, ये मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियोज़ आपको मिल सके। क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ ऐसे ही तंत्र मंत्र यंत्र वशीकरण काला जादू ऐसे ही जानकारियाँ, और बिल्कुल सही जानकारियाँ, और किस तरह से की जाए और उसकी पूरी जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता हूँ। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि तंत्र मंत्र का सही ज्ञान आपको मिल सके। भगवान शिव शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है। अगर आपने महाशिवरात्रि को जिस तरह से मैंने आपको ये उपाय बताया है, और अगर आपने बिल्कुल सही विधि विधान से कर लिया उपाय, तो आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हो। महाशिवरात्रि का बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप इस दिन कोई भी कार्य करते हो, जो भी आपकी मनोकामना है, या फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मैं आपके लिए लाऊंगा अलग एक वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि पर किस तरह से पूजा की जाए और किस तरह से भोले शंकर को प्रसन्न किया जाए, ताकि आपके जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी किस तरह से की जाए। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में तो बताऊंगा कि आपको किस तरह से किसी भी इंसान का वशीकरण कैसे किया जा सकता है महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि शिव चौदस, जो कि 14 फरवरी 2018 को है, तो ये उपाय आपको रात को मध्य रात्रि 14 तारीख को करना है, मतलब 13 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद। इसका जो समय है वो करना है आपको 12:15 पे। जो मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ, इसका आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम मोस मोन सरोवर माही पानी, जल की जोगनी पताल का नाग, जिसको लगाऊं उसमें आग, ना सोहत सुख ना बैठा सुख, फिर देखे हमारा मुख, शब्द वाचा पिंड वाचा, फोलो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का आपको 121 माला जाप करना है, और ये आपको समय मैंने बता दिया है, 12:15 से आपको ये शुरू करना है मध्य रात्रि से। और ये आपको एक ही दिन में, मतलब पूरी रात में आपको इस मंत्र का जाप करना है, और फिर ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो फिर ये मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको किसी भी दिन, फिर आपको जिस भी इंसान का वशीकरण करना है, उसकी एक फ़ोटो लेनी है, को फोटो अपने सामने रखनी है, और इस मंत्र का फोटो को देख के आपको 121 बार मंत्र का जाप करना है, और वो आपके वशीभूत हो जाएगा। और साथ में अपने जब भी ये मंत्र जाप करो, दीवा जला लेना, जिसमें आप चमेली का तेल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और एक फूल हो गुलाब का तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और जल्दी असर करेगा आपका ये उपाय। बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा उपाय के बारे में। यदि आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि तंत्र मंत्र यंत्र का सभी को सही ज्ञान मिले। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।